हेलो एवरीवन, एक्सेल के अंदर सेल्स रिपोर्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने ये सेल्स रिपोर्ट शीट क्रिएट की है। ये शीट कैसे वर्किंग करेगी पहले हम वो जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर हमने हेडिंग दी है सेल्स रिपोर्ट। इसके बाद हमने दो बटन्स क्रिएट किए हैं। एक बटन है आइटम वाइज रिपोर्ट के लिए और दूसरा बटन है सेल्समैन वाइज रिपोर्ट के लिए। अब इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सीरियल नंबर डालेंगे, जो भी डेट होगी उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे ही हम डेट डालेंगे ये अपने आप मंथ पिक कर लेगा। इसके बाद हम बताएंगे सेल्समैन। तो सेल्समैन को सिलेक्ट करने के लिए हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है। यहाँ पर हम सेल्समैन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आइटम कोड। तो अगर आपने अपने आइटम के लिए कोई आइटम कोड क्रिएट किया हुआ है तो उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर मेरे पास तीन आइटम हैं, तीनों आइटमों को मैंने कोड दे रखा है RE001, 002 और 003। यहाँ पर जैसे ही हम आइटम कोड के अंदर आइटम कोड को बताएंगे उसके हिसाब से यहाँ पर हमारी आइटम ऑटो पिक हो जाएगी। इसके बाद है यूनिट, यूनिट को हम बता देंगे। इसके बाद है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमने इस आइटम की आउट की है उसको हम यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद है प्राइस, तो जो आइटम हमने आउट की है वो किस रेट पे की है उस रेट को हम यहाँ पर डाल देंगे। क्वांटिटी और प्राइस बताने के बाद यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही आगे जैसे जैसे हमारे पास एंट्रीज आएंगी वो हम यहाँ पर डालते जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं आइटम वाइज रिपोर्ट और सेल्समैन वाइज रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर जैसे हमने बटन्स को क्रिएट किया है, जैसे ये वाला बटन है आइटम वाइज रिपोर्ट के लिए, तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस शीट के ऊपर आ जाएंगे। इस वाली शीट के ऊपर आइटम वाइज डिटेल है कि कौन सी आइटम की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है और जो भी क्वांटिटी सेल हुई है उसका टोटल अमाउंट कितना बनता है, उस चीज को हम इस शीट के ऊपर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमने मंथ वाइज सेक्शन क्रिएट किया हुआ है। जैसे जैसे एंट्री और जिस मंथ की एंट्री हम वहाँ पर करेंगे वो मंथ यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। अभी जैसे हमने नवंबर और दिसंबर दो मंथ की एंट्री की है, हमको किसी एक मंथ की परफॉर्मेंस को चेक करना है तो यहाँ पर हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर मंथ की डिटेल जो भी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। हो सकता है कि हमको एक से ज़्यादा महीने की सेल्स को देखना है तो इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और जितने भी मंथ की हमको सेल्स समरी देखनी है उन मंथ को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास उनकी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमने एक होम बटन क्रिएट किया है, जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस से हम सेल्स रिपोर्ट वाली शीट के ऊपर आ जाएंगे। ऐसे ही हमारी सेल्समैन वाइज रिपोर्ट है, हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस शीट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम सेल्समैन के हिसाब से रिपोर्ट देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो सेल्समैन हैं, एक है मिस्टर सुनील और दूसरे हैं मिस्टर शिवम। दोनों ने कौन सी आइटम कितनी कितनी बेची, उनकी टोटल क्वांटिटी और अमाउंट वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम मंथ वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हमने होम बटन क्रिएट किया है, जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वापस से सेल्स रिपोर्ट वाली शीट के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये शीट हमने क्रिएट की है, ये इस शीट की वर्किंग है। इस शीट को हम कैसे क्रिएट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। इस शीट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से इसके अंदर क्या होना चाहिए तो वो आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे लिए वो पॉसिबल हो पाया तो इस शीट के अंदर मैं उसको ऐड कर दूंगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।